और विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल की तैयारियां चल रही है। राजधानी में दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद कई सुझाव मिले हैं। इन सुझाव पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले उन जिलों को सामने रखा जाएगा जहां विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि नागपुर में कांग्रेस की महारैली के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सबसे पहले उन जिलों को सामने रखा जाएगा जहां विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित 15 से अधिक जिले हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए, अब हार के बाद फेरबदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अगर यही सिलसिला चुनाव से पहले होता तो अब निष्कर्ष कुछ और नजर आता। देखिए, दो चरण की जो बैठक है हार को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि सबसे पहली बैठक जो है हाईकमान द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसको जिसके बाद जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति को यथावत रखा गया था, जिसके बाद जो है यहाँ राजधानी रायपुर में भी एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जो है तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो है उनसे सुझाव मांगे गए कि किस प्रकार जो है विधानसभा चुनाव में कार्य हुए हैं और किस प्रकार की गतिविधियां ऐसी संचालित हुई है जिनसे कार्यकर्ताओं में रोष है। इसको लेकर जो है दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो है विधायकों ने अपने जो है सुझाव जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिए गए थे, और यही सुझाव जो है जो विधायक जो है जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए, वे दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद कुमारी सैलजा पर जो है कार्रवाई होते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रभारी के पद से हटा दिया गया था। अब जो है कैप्टन पायलट को जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज की नियुक्ति भी यथावत रखी गई है। लेकिन जो है इन सब के बीच जो है अब जो है जो जिला अध्यक्ष हो जिनके ऊपर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, साथ ही जो है विधानसभा के प्रभारियों संभाग प्रभारियों उनको उन पर जो है फेरबदल की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। आज जो है कांग्रेस की स्थापना दिवस के लिए जो है पूरे कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो है सभी जो कार्यकर्ता है नागपुर में कूच किए हैं। इसके बाद जो है आने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी और जिलाध्यक्षों के फेरबदल की कार्रवाई हो सकती है। तो क्या लगता है किस किस पे गाज गिर सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल में जो है सबसे बड़ी गाज तो जो है कुमारी सैलजा पर गिरी थी। इसके बाद जो है जितने भी जिला अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति को हटाकर उनके जगह जो है दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही जो प्रभारी थे विधानसभा प्रभारी और संभाग प्रभारी उनको भी हटाकर जो है उनकी जगह दूसरे लोगों को ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो वहाँ की अच्छी से पकड़ जानते हैं, साथ ही जो है लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके ऐसे लोगों को जो है अब जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जो है बता देना चाहूंगा कि कई समय से लगातार जो है कांग्रेस में जो है अंतर्कलह का माहौल देखा जा रहा था, बयानबाजियों का दौर भी काफी तेज था। यहाँ पे कई लोग जो है मुखर होकर पार्टी के खिलाफ, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अन्य टीएससी हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, सभी के खिलाफ जो है अनर्गल बातें कर रहे थे। साथ ही जो है पूर्व मंत्रियों ने भी पिछली सरकार पर ऐसे आरोप लगाए कि तानाशाह रवैया था इसकी, जिसके कारण जो है सरकार जो है 5 सालों में ऐसी कार्य योजनाओं पर काम नहीं कर सकी जो जनता को लाभ मिलना था। साथ ही जो है डेवलपमेंट के भी कार्य नहीं हुए थे, जिसके कारण जो है पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ता। साथ ही जो टीएस सिंहदेव द्वारा जो है लगातार ऐसे बयानबाजी दिए जा रहे थे जिसके कारण जो है पार्टी के अंदर जो है छत्तीसगढ़ में पार्टी की छवि खराब हुई है, इसको लेकर भी हार एक जो है बड़ा कारण माना जा रहा था, जिसको लेकर जो है टीएस बाबा के खिलाफ भी यहाँ पे शिकायत हुई थी, पर उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं थी। अब इस तमाम माहौल को देखते हुए जो है अब ऐसे लोगों को नियुक्ति की जा रही है जो कार्यकर्ताओं का मन मोह सके और उनकी सुझाव के हिसाब से ही कार्य कर सके। तो विकास ये है कि आलाकमान जिस पे भरोसा जता रही है वो उस भरोसे पर खरा नहीं उतर रहा है? जी, अभी तक से जो जिन पर भरोसा जताया गया था वो भरोसे पर खड़े नहीं उतरे हैं, जिसके कारण जो है फेरबदल की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए फेरबदल काफी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार जो कांग्रेस में अंतर्कलह हुआ है वो आने वाले समय में एक बड़ी हार का कारण बन सकते हैं, इसीलिए जो है फेरबदल करना जरूरी है। यह जो है पार्टी हाईकमान को यहाँ समझ में आ गया, जिसके कारण जो है पूरे जिला अध्यक्षों प्रभारियों को जो है फेरबदल करने की कवायद शुरू होगी। जी ठीक है, विकास बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे।